पोटा को हटा करके यूएपीए आया। आप देख लीजिए ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, आज पीएमएलए कानून को ला करके जिस तरह से आप, ये पूरी नेक्सस एक्चुअली इनकी है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे देश के अंदर आर्थिक संकट गहराएगा, लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे, और जब लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे तो वो कॉन्शियसली। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और आज इंटरनेशनल ह्यूमन डे है। मेरे साथ कौशिक हैं जो महिला प्रगतिशील महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं और जंतर मंतर पर भी उपलब्ध हैं। अभी मैंने आपको तस्वीरें देखी दूसरे विंडो में, शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो, चानिल तेलतुंबड़े हो, बहुत सारे लोगों को रिहाई भी मिली है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं। उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, कहा जा रहा है कि ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। आप तो एक वकील भी हैं और आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे भी है, कैसे देख रही हैं? सरकार ने इनको यूएपीए लगा दिया है, सरकार किसी की भी हो, जो डेमोक्रेटिक लोग हैं उनको वो सबकी नज़रों में खटकते हैं। जी बिल्कुल, आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और मैं प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली की जनरल सेक्रेटरी हूँ और वकील भी हूँ, और आज ये जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है उसमें भाग लेने के लिए आए हैं हम। बात ये है कि जिस तरह से दरअसल जन विरोधी कानून, संविधान की मूल भावना के विरोध के कानून हमेशा से ही बनते रहे हैं, वो चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड कानून हो, 157 सीआरपीसी, पोटा जैसे कानून का भी दुरुपयोग हुआ, यूएपीए, टाडा, पोटा को हटा करके यूएपीए आया, और यूएपीए आया कांग्रेस के रिजीम में, चिदंबरम साहब जो इसके हैं ये लेकर आए, हाँ, और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसे ऑपरेशंस चलाए गए ट्राइबल्स को दमन करने के लिए, और बिल्कुल वैसा ही अभी जो है एफसीआर, यानी जो जो जीते जनता ने लड़के हासिल की थी, आज उन जीतों को हनन करने का काम, ये कांग्रेस के तमाम वो पाप हैं जिसको बीजेपी डंके की चोट पर आगे बढ़ा रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि कांग्रेस के पाप है या नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि पॉलिसी वाइज कांग्रेस और बीजेपी में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं रहा है, और वो एलपीजी की जो पॉलिसीज़ हैं असल में उनको लेकर ये लोग आए, कांग्रेस वाले लेकर आए, और जनता उसके खिलाफ विरोध ना करे इसके लिए वो उनके ऊपर दमनकारी कानून लेकर आए, और तरह तरह से, और जनता के संघर्षों के दबाव के चक्कर में उन्होंने कुछ 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 चीज़ें जो हैं उन्होंने ठीक करी जनता के दबाव के चक्कर में, जैसे उन्होंने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसके खिलाफ इतने बड़े संख्या में लोग निकल कर आ गए, कानून की बात कर रहे थे जो वही कानून का भी तो जो सवाल है ना, कानून में जो परिवर्तन किया गया, लैंड एक्विजिशन राइट जो बनाया गया जिसके खिलाफ लोग निकल के आए, और उसको उस कांग्रेस सरकार ने बनाया, मौजूदा सरकार ने उसके जो प्रावधान थे उनको ख़त्म करने की कोशिश करी, और अभी एफसीआर है फॉरेस्ट राइट्स कंजर्वेशन कानून के अंदर, वन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंदर जो एक स्पेशल नियम ला करके जिससे वनवासियों का वन के पदार्थों के ऊपर ही कंट्रोल खत्म हो जाएगा, ऐसा कानून जिसके खिलाफ देश के ट्राइबल्स अभी लड़ रहे हैं, और ये तो जनवादी अधिकारों पर दमन का तो एकदम नया सिलसिला। क्या लगता है कि जो कांग्रेस कानून लाई थी वो भी उसके चपेट में है, उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है? तो जो ये सरकार जिस तरह से कानून बना रही है, अगर कोई और सरकार बदल गई तो इनके नेता भी उसके चपेट में आएंगे, जैसे चिदंबरम साहब को उठाया गया? जी बिल्कुल, ये तो होगा ही, जब आप कानून इस तरह के लेकर आ जाएंगे, जब आप संस्थानों को ख़त्म कर देंगे, जब आप कानून के रूप में इस तरह के जनविरोधी कानून लाएंगे, तो ये तो मुहिम की बात है ना, आज एक मुहिम सत्ता में है, कल को दूसरी मुहिम सत्ता में होगी, क्योंकि इनका वर्ग बेसिकली एक ही है, तो अपने वर्ग की हिफाजत के लिए ये जनता के ऊपर दमन करेंगे, और कोई भी आ जाए, कोई भी रूलिंग पार्टीज़, तो आज आप देख लीजिए ईडी का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, आज पीएमएलए कानून को ला करके जिस तरह से आप पूरा लोगों का राइट, पीएमएलए में क्या है, मतलब इनकम टैक्स में भी गिरफ्तारी होगी या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तारी, और बेसिकली जो लॉ के बेसिक चीज़ होते हैं कि आपको अपने आप को, मतलब आप जब तक दोषी साबित नहीं है तब तक आपको निर्दोष माना जाएगा, उनको ख़त्म करने का एक पूरा प्रयास किया जा रहा है। पीएमएलए है कि आपको आरोप लगा और आप, मतलब आपको जमानत, आप दोषी हैं, उसके अंदर जमानत के इतने, मतलब जमानत का उसमें राइट ही ख़त्म कर दिया गया, बहुत मुश्किल होती है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये बात बोल रहा है, अंत में देखिए यूएपीए को भी अगर हम देखें तो कन्विक्शन राइट्स, कन्विक्शन जो रेट है वो बहुत कम है, 1% के करीब कन्विक्शन रेट है, बहुत सारे मामलों के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है अभी तक, लेकिन प्रक्रिया ही इतनी मुश्किल है, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि था मामला जो भीमा कोरेगांव का मामला था, या तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट शर्जिल इमाम हो, उमर खालिद हो, खालिद सैफी हो, गौतम नौलखा हो, इन लोगों के लिए जो पूरा मामला, इसे कैसे देख रही है अब? क्या
उम्मीदें खत्म हो चुकी है कि जब तक ये सरकार है तब तक तो शायद बात करना नहीं। देखिए मैं तो समझती हूँ, मैं उम्मीद ख़त्म करने वाले ताकतों में से नहीं है, और जनता बड़ी ताकतवर होती है और जनता की ताकत में मुझे विश्वास है। और इन तमाम दमनकारी ये जो शासक वर्ग है, ये कितना ही दमन कर ले, जनता इस दमन से निकल के आएगी। और जो बुद्धिजीवी जनता के अधिकारों के पक्ष में खड़े होकर बोलते हैं, निश्चित तौर पर उनके ऊपर जब दमन किया जाएगा तो लोग निकल के आएंगे, लोग निकल के भी आ रहे हैं। पहले था कि मैम लोग स्टैंड लेते थे, कम से कम नहीं बोलता था तो कोई न्यूट्रल रहते थे। अब तो ये है कि एक माइंडसेट बना दिया गया टीवी अखबार के जरिए, अरवन नक्सल हैं ये, या ये विकास विरोधी हैं। देखिए ये चुनौती है कि जिस तरह से गोदी मीडिया है, जिस तरह से मीडिया के ऊपर इन लोगों का कंट्रोल है, पर ऐसे में आप जैसे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वही असल में असली उम्मीद हमें देखते हैं, जो वास्तविक तौर पर ग्राउंड लेवल से चीज़ों को निकाल के और जनता के लेकिन सामने एक बड़ा तबका है, मैं उसको अगर कहूँ, इस देखिए जाति प्रधान देश है, खासकर इस देश का जो एक सवर्ण समाज का तबका है जिसका कंट्रोल है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और पावर सेंटर्स पे, इवन बिजनेस में भी जो इन्फ्लुएंसर हैं, बोलने से लेकर मीडिया, जुडिशियरी, उन सबका माइंडसेट इस तरह का है कि नहीं ये सही है, ये सरकार के साथ हैं। देखिए ये माइंडसेट है, और मैं तो ये समझती हूँ कि इस माइंडसेट को जो है इस तरह से बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि बेसिकली जो देश की जो इकोनॉमिक सोवरेनिटी है, जिस तरह से देश के अंदर कॉरपोरेट का राज लाया जा रहा है, असल में लोग उसके खिलाफ ना निकले। ये पूरी नेक्सस एक्चुअली इनकी है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे देश के अंदर आर्थिक संकट गहराएगा, लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे, और जब लोग सड़कों के ऊपर निकलेंगे तो वो कॉन्शियसली ये जो आज कुछ तबका जो आज तबका इस इन सब नीतियों के पक्ष में खड़ा होता नज़र आ रहा है, इस दमन की मशीनरी के पक्ष में खड़ा होता नज़र आ रहा है, व्यापक जनता ऐसी नहीं है। लेकिन मैम जो गरीब है वो तो पहले से भी गरीब है, अभी भी है। जो लोग इन्फ्लुएंसर थे, जो गरीब नहीं हैं, जिनके पेट भरे हुए हैं, जो शहरों में रहते हैं लेकिन वो एक लड़ाई लड़ते थे कि नहीं गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनकी सहमति है इस सरकार के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई व्यापक सहमति है। वो अलग बात है कि वो लोग बोल नहीं रहे हैं, और ना बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो इस मुहिम के साथ सहमत है। चलिए तो लगातार लोग की गिरफ्तारियाँ हो रही है, और चाहे एक धारणा भी बनी हुई है कि अभी सरकार सब कुछ दबाव में है, लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सड़कों पर आ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको बोलने का अधिकार है, और तमाम इस तरह की जो गिरफ्तारियां हैं, सरकार आती जाती रहती है लेकिन इस तरह के दमनकारी कानून बनते रहते हैं, और इन्हीं सब कानूनों के खिलाफ, इन्हीं सब गिरफ्तारियों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स भी काम करता रहता है। तो आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, ह्यूमन राइट्स का सम्मान कीजिए, क्योंकि कभी आप भी, आप चूँकि ह्यूमन हैं, हो सकता है कि आप जिनके साथ हैं कल कोई आपके खिलाफ भी ह्यूमन राइट्स का दुरुपयोग करे। तो जो बेसिक रूल है डिग्निटी का, ह्यूमन राइट्स का, उसके पक्ष में बने रहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं और उसी के हिसाब से लोगों के ह्यूमन राइट्स तय होते रहते हैं। फिलहाल हो सकता है जिनको अभी लग रहा हो कि ह्यूमन राइट्स कानून ठीक नहीं है, अगर सरकार बदल जाए तो उनका ही ह्यूमन राइट्स खतरे में आ जाए, तो इसलिए ह्यूमन राइट्स के ताकत के साथ बने रहिए। शुक्रिया मैम। शुक्रिया। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।